हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ब्रज मोहन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स में। देखिए, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ये 11th क्लास, 12th क्लास, स्पेशली कॉलेज और आगे भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस टॉपिक को बीच में ले रहा हूँ। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है क्या, देखिए, जब 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी या आप जब कॉलेज में जाके आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो नॉर्मली बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज एक जगह होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। देखिए, रिसिप्ट जो नॉर्मली होती है, ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या रिसिप्ट एक्सपेंडिचर होता है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कौन सी हम रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कौन सी कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है। यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। 11th क्लास में जब बच्चा नया नया आता है तो वहाँ थोड़ा सा बच्चों को रट लेता है बच्चा कि ऐसा इसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये चारों चीज़ें होती क्या है और इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट केवल हमको एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, ठीक है। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू दोज एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट रिसीव्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट हमको केवल एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, ठीक है। कैसे, एग्जांपल है सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस। देखो, बात समझना, ऐसे खर्चे जो आपने कर दिए, ठीक है, उसका बेनिफिट केवल एक साल तक मिलेगा, एक साल से ज़्यादा टाइम तक उसका बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है। ऐसे एक्सपेंसेस को, ऐसे खर्चे को हम कौन से एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझना, जैसे सैलरी दी, ठीक है, सैलरी हम कितने टाइम के लिए देते हैं सर, एक साल के लिए देते हैं, एक महीने के लिए देते हैं, तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो आपने सैलरी दी है उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट देते हैं, रेंट भी एक पर्टिकुलर टाइम का देते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा पीरियड है, ठीक है, ये मेरा पीरियड है, मैंने इस पीरियड का रेंट दे दिया। अब नेक्स्ट जो पीरियड आएगा, मुझे नेक्स्ट पीरियड वापस से रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मुझे केवल एक पर्टिकुलर पीरियड में मिलेगा, मतलब अगर मैंने पेमेंट किया रेंट का, इस ईयर का पेमेंट किया, मुझे इसका बेनिफिट केवल इस ईयर में मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, इसको हम एक और समझ सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉर्मली कौन सा होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। कौन सा नेचर होता है, रिकरिंग नेचर होता है। रिकरिंग का मतलब बार बार, मान लीजिए आपने इस साल रेंट दिया, नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट एक पर्टिकुलर पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है। अगर मैंने इस साल रेंट दिया, मुझे नेक्स्ट ईयर वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार फिर से देख लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको केवल कितने पीरियड का मिलता है, एक फर्स्ट ईयर का मिलता है, मतलब जिसका बेनिफिट हमको एक साल ही मिलता है। और ये एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपोजिट, जस्ट अपोजिट रेवेन्यू नेचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बार बार करने पड़ते हैं, जिसका बेनिफिट खत्म हो जाता है पर्टिकुलर पीरियड में, उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट नॉर्मली हमको एक साल से ज़्यादा टाइम तक होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मैंने कार खरीदी, ठीक है, कार खरीदी, खर्चा है, हाँ सर खर्चा है, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे एक साल मिलेगा कि एक साल से ज़्यादा टाइम तक मिलेगा, एक साल से ज़्यादा टाइम तक मिलेगा ना, तो इसलिए ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिकरिंग होता है, हर साल करते हैं, पर्टिकुलर पीरियड के बाद करते हैं। लेकिन कार अगर आपने एक बार खरीद ली, बार बार खरीदते हैं क्या, नहीं खरीदते हैं, तो एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलता है। और अगर एक साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है
तो इसलिए उसका नेचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप समझ में आया होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है, बेनिफिट क्या होता है, केवल एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा टाइम तक मिलता है। सीधी सी बात, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सैलरी बार बार देना है, रेंट बार बार देना है, इंश्योरेंस टाइम पीरियड खत्म हो गया वापस से देना है, ठीक है। एक्सपेंसेस सर, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, कार खरीदी, मशीन खरीदी, ठीक है। अब इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। आपने 11th क्लास में जब पढ़ी होगी तो 11th क्लास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो ट्रीटमेंट है वो आपने पीएनडल अकाउंट बनाया होगा, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में किया होगा, ट्रेडिंग या फिर पीएनडल अकाउंट के डेबिट साइड में आपने एक्सपेंसेस लिखे होंगे। कौन से एक्सपेंसेस लिखे होंगे सर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखे होंगे, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कहाँ होता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। किस साइड में होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं रिसिप्ट पे। रिसिप्ट का मतलब पैसे आ रहे हैं, ठीक है। रिसिप्ट नॉर्मली दो टाइप की होती है, फर्स्ट होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सेकंड होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जैसे हमने ऊपर देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं। ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। रिसिप्ट विच आर रिसीव्ड एन इनकम बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन कैरिंग आउट द एक्टिविटी। ऐसी इनकम जो आपकी एक्टिविटी के थ्रू आपको मिल रही है, मान लीजिए अगर मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं तो सामान बेचता हूं, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स करता हूं, या आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोगों से मुझे फीस मिल रही है, मैं आप लोगों को गुड्स दे रहा हूं, आप लोगों से मुझे पैसा मिल रहा है, वो मेरी कौन सी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है। तो जो एक्टिविटी आप करते हो उस एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग मतलब कंटिन्यू में लोगों को पढ़ाऊंगा मुझे फीस मिलेगी, कंटिन्यू में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूंगा मुझे फीस मिलेगी, कंटिन्यू में गुड सेल करूंगा मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसे रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। अब ये कौन सी बात है, देखिए बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है, आप लोगों से मुझे फीस मिलती है, ठीक है, मिलती है फीस मिलती है, ठीक है, लेकिन कई बार मुझे ऐसा अमाउंट मिला जो आप लोगों के थ्रू नहीं मिला, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक बिल्डिंग थी, ठीक है, बिल्डिंग को मैंने बेच दिया, मेरे पास पैसा आया, ठीक है, लेकिन ये मेरी एक्टिविटी है क्या, मेरा मेरी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी क्या है, लोगों को पढ़ाने की, बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन मैंने पढ़ाने का काम नहीं किया, मैंने एक बिल्डिंग मेरे पास थी उस बिल्डिंग को बेच दिया, बिल्डिंग को बेचने से मेरे पास क्या आया, पैसा आया, ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी है क्या, नहीं है। तो जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी के अलावा जो आपके पास पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने अभी सर, मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपने एक बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग को बेचने से पैसा आया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। वापस एक बार देख लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट सर जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आता है, अमाउंट आता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और सर जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है उसको हम पैसा पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट। अब हम इसकी 2 मिनट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए रिसिप्ट अगर मैं बात करूं, रिसिप्ट जो होती है 11th क्लास में आप पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते थे रेवेन्यू रिसिप्ट, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो एक तरीके से आपने एसेट्स को बेचा, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट होता था बैलेंस शीट में होता था, असेट्स में से हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, असेट सेल कर देते तो असेट्स में से माइनस कर देते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब 12th क्लास में ये जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो यहां पे
इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसके रिस्पेक्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है, जैसे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, 11th क्लास में तो आप ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते थे, लेकिन जब हम एनपीओ चैप्टर पढ़ते हैं तो एनपीओ में पीएनएल नहीं बनता है। एनपीओ में कौन सा अकाउंट बनता है? एनपीओ में बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेम ऐसे कैसे क्रेडिट साइड डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर हम लिखेंगे, कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। सेम रेवेन्यू रिसिप्ट 11th क्लास में तो हम पी एंड एल अकाउंट में बनाते थे, लेकिन पी एंड एल अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी होती है? जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसकी जो मेन एक्टिविटी क्या होती है? समाज सेवा करना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी वो कौन सी होगी? सब्सक्रिप्शन, जर्नल डोनेशन। यहाँ जर्नल डोनेशन मैं बता देता हूँ, जैसे दान पात्र रखे हुए रहते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में या गौशाला वगैरह में, तो उन दान पात्र में जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं जर्नल डोनेशन। रेंट, कई बार जो धर्मशाला वगैरह होती है रेंट प्रोवाइड कर रेंट पे देती है, उसको रेंट मिलता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हम बेचते हैं उससे पैसा मिलता है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका हमको बेनिफिट एक साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता है, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रीटमेंट करते, सेम ट्रीटमेंट है जैसे हम 11th क्लास में करते थे। कैपिटल रिसिप्ट्स अगर मैं बात करूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? ऐसी रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट जो आपके बिजनेस पर्पस से, जो आपके एक्टिविटी पर्पस से नहीं होती है, ठीक है, या जो हमको स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है। देखिए रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिसिप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय डोनर। मतलब ऐसे रिसिप्ट्स जो आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, नॉन रिकरिंग है, या फिर एक स्पेशल पर्पस के लिए मिली। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइफ मेंबरशिप फी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ मेंबरशिप फी आपको कोई देता है, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है? उसकी मेंबरशिप फी से रिलेटेड है, जीवन भर की मेंबरशिप फी से रिलेटेड है। तो एक स्पेशल पर्पस के लिए पैसा मिला है उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। एक बार आता है स्पेशल डोनेशन। मान लीजिए कोई दानदाता आया मेरे पास, उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए, बोले सर आपका बहुत अच्छा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा ऑर्फनेज चलाते हैं, आप मेरी तरफ से एक रूम बना दीजिए। 5 लाख रुपए उन्होंने दिए अपनी तरफ से एक रूम बनाने के लिए, वो मेरे लिए रिसिप्ट है, लेकिन कौन सी रिसिप्ट है? सर वो एक्टिविटी से रिलेटेड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? फिक्स्ड पर्पस है ना, पर्पस क्या है? देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। अभी मैंने बताया कि मेंबरशिप फी मिली, कौन सी मेंबरशिप फी? लाइफ मेंबरशिप फी मिली, स्पेशल डोनेशन मिला। ध्यान से समझना, ये डोनेशन आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो है, बच्चा क्या करेगा, इसको भी रेवेन्यू रिसिप्ट मिलेगा, लेकिन सामने वाले ने आपको क्या करा, आपको पर्पस बता दिया कि इसका यूज केवल वहीं करना है। ये डोनेशन है 5 लाख रुपए है, इसका 5 लाख रुपए का यूज जो है केवल आपको रूम बनाने में ही करना है, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना है। तो वहां रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, पर्पस बता दिया कि इसका यूज आपको केवल यही करना है। तो ऐसी रिसिप्ट जो होती है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ऐसी रिसिप्ट होती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, या फिर इस रिलेटेड तो है, या फिर आपको स्पेशल पर्पस के लिए मिली है। ठीक है, इसको हम कहाँ शो करते हैं? सर अगर किसी ने मुझे पैसा दिया और उसका रिस्ट्रिक्शन बता दिया, उसका पर्पस बता दिया, तो मेरे लिए क्या होगी? वो लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी साइड में शो करूंगा। ठीक है, क्लियर। बिल्डिंग फंड, जैसे आपको किसी ने पैसे दिए बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं, 2 मिनट में आपको वापस से रिकॉल करा देता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे ओवर द पीरियड केवल एक साल तक मिलता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा टाइम तक मिलता है, इसका एक्सपेंसेस एग्जांपल सैलरी रेंट इंश्योरेंस, इसका एग्जांपल लैंड परचेस की, मशीन परचेस की, बिल्डिंग परचेस की, इसको बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते, इसको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। रेवेन्यू रिसीट्स, पैसा आया। सर ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, मतलब जो आपका एनपीओ है उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, जैसे सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कैपिटल रिसीप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ऐसी रिसीप्ट जो नॉन रिकरिंग है या फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो है लेकिन आपको उसका पर्पस फिक्स है, ठीक है, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से तो रिलेटेड है लेकिन उसका पर्पस फिक्स है कि उसको केवल आपको वहीं यूज करना है, उसको हम कौन सी रिसीप्ट बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।